तो बकरी ने ना कान भी खड़े कर लिए यार अपने, ऐसे ऐसे कर ली इसने गर्दन भी अपनी। मेरे को थोड़ा डर भी लग गया, मैं क्या यार कहीं ऊपर कोई ना आ जाए बकरी। बट जैसे मैंने पीछे 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 होना शुरू किया ना, वैसे ही ये भी पीछे हो गई। तो गाइस बताइएगा, आगे एक आंटी भी थे, उनसे पूछना था मैंने कि ये जगह कौन सी है, बट बकरी बीच में है। रिस्क नहीं लेने का भाई, रिस्क नहीं लेने का। तो अभी देखते हैं पली साइड जाके देखते हैं, पर परे बैल है यार, बड़े तगड़े बैल है उधर, और आक्रामक से लग रहे हैं मुझे ये बैल। तो विचार मैंने छोड़ दिया उधर जाने का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पानी भी था, तो मैंने जाना वहाँ पे उचित नहीं समझा। बिकॉज भाई कहीं पीछे भागा ना तो यहाँ पे तो आ जाना नंबर बढ़िया वाले तरीके से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आपका अंशु व्लॉग एंड शॉर्ट वीडियो चैनल में। तो गाइस आज हम कहीं जा रहे थे, लेकिन बीच में जो है रास्ते में जो एक प्यारा सा व्यू नज़र आया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। ये प्यारा सा व्यू आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे, ये देखिए, वाव। ये आई थिंक ये गंबर साइड, गंबर भी नहीं है ये, पर पता नहीं कौन सी जगह है, बट आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे ये बफेलो भी है, देख सकते हैं आप पीछे, और यहाँ पे पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है लीजिए गाइस। और मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे जो है ना पार्टी शार्टी यार आराम से हो सकती है, बहुत बढ़िया वाले तरीके से हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। और लोनली सा जो स्पॉट चाहिए होता है कि हम लोग आराम से पार्टी शार्टी कर सके, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये जगह सबसे बेस्ट लग रही है मुझे गाइस। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, थोड़ा सा बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितना प्यारा व्यू है। तो गाइज़ बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर उसके बाद के भाई कैसा लगा आपको ये व्यू, पार्टीज़ के लिए कैसा है बताइएगा ज़रूर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है देख लीजिए, मतलब यहाँ से ये पूरा 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 ये पूरा राउंड में जो है मेरे पीछे देख लीजिए आप, यहाँ पे आपकी गाड़ी लगेगी यहाँ पे, और यहाँ पे आराम से आ सकती है, और आराम से आप यहाँ पे पार्टी शार्टी कर सकते हैं भाई। मैंने तो पक्का सोचा है कि यहाँ पे ज़रूर आना है, बिकॉज प्लेस बहुत अच्छा है, डिक्की खोल के आप डांस भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे आसपास घर तो है पर थोड़ा दूर दूर है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और गर्मियों में जैसे नहाना है, पानी तो कम है, बट आगे जैसे वहाँ जैसे दिख रहा होगा आपको, वहाँ जैसे पानी भी है, नहाने के लिए नहा भी सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ा बैक कैमरे से आपको दिखा देते हैं क्लोजअप सा। तो ये देखिए गाइस, बैक कैमरे से कुछ इस तरह का व्यू जो है यहाँ का, जूम करके अगर आपको दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे लोग जो है पशु छोड़ रखे हैं चराने के लिए। और कुछ इस तरह का व्यू है, ये ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है, और ये है वो बफेलो जिसके बारे में भी मैंने कहा था आपको। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पे गाइस, क्या बढ़िया लुक दे रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा है सच में, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पे आके, बहुत ही प्यारा है। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे भी है, देख लीजिए कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। कैसा लगा आपको यहाँ का जो व्यू है यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं यहाँ पे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं घूमने के लिए, पर जगह का नाम पता नहीं क्या है यार। आगे जैसे एक लेडी है, इनसे पूछते हैं कि कौन सी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पे आगे ना। एक बकरी का छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, हेलो। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को लगता है ये अटैक करने की तैयारी में है, इसलिए भाई इससे दूर रहना ही बेटर है। ये देख सकते हैं आप इधर, अगर आपको दिख रहा होगा ये बकरी है, साथ में इसका छोटा सा बच्चा है,
जैसे मैंने कोशिश की गाइस कि इस बकरी के बच्चे के पास जाऊं, इसको इसको थोड़ा सा प्यार करूं, तो इसकी माँ जो है वो अपने सींग दिखाने लगी थी गाइस। तो मुझे थोड़ा सा लग भी रहा था, मैं कहा यार दूर रहना ही ठीक है। तो जी वापस हो गए, कोशिश बेकार गई गाइस। मतलब जैसे मैंने कोशिश की ना कि यार मैं जाऊं इसके पास, बकरी का जो छोटा सा बच्चा था, तो बकरी ने ना कान भी खड़े कर लिए यार अपने, ऐसे ऐसे कर ली इसने गर्दन भी अपनी। मेरे को थोड़ा डर भी लग गया, मैं कह यार कहीं ऊपर कोई ना आ जाए बकरी। बट जैसे मैंने पीछे 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 होना शुरू किया ना, वैसे ही ये भी पीछे हो गई। तो गाइस बताइएगा, आगे एक आंटी भी थे, उनसे पूछना था मैंने कि ये जगह कौन सी है, बट बकरी बीच में है। रिस्क नहीं लेने का भाई, रिस्क नहीं लेने का। तो अभी देखते हैं, पली साइड जाके देखते हैं। पर परे बैल है यार, बड़े तगड़े बैल है उधर, और आक्रामक से लग रहे हैं मुझे ये बैल। तो विचार मैंने छोड़ दिया उधर जाने का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पानी भी था, तो मैंने जाना वहाँ पे उचित नहीं समझा। बिकॉज़ भाई कहीं पीछे भागा ना, तो यहाँ पे तो आ जाना नंबर बढ़िया वाले तरीके से। तो गाइज आप आराम से वैसे घूमने के लिए आ सकते हैं, बहुत सारी जगह है, ये बैल ये बकरी साइड में रह सकते हैं और हम लोग आराम से इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो गाइज बताइएगा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जगह कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। देख लीजिए आप। ओके गाइज थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे किसी न्यू वीडियो में, इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी कोई बढ़िया सी वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर।